उधर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में सी पैक सिक्योरिटी के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया है। आपको बताएंगे इजलास में सी पैक सिक्योरिटी डिवीजन के फौजी अफसरान ने भी शिरकत की है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में सी पैक सिक्योरिटी के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर बताएगा इजलास मुनक्किद किया गया है, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में सी पैक की स्कूटी के हवाले से एक अजलास हुआ है। इस अजलास में महकमा दाखिला के अलावा एडिशनल सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड आरफ नवाज, इसके साथ साथ सी पैक स्कूटी डिवीजन के जो अफसरान है उन्होंने भी शिरकत की है। इस अजलास में सी पैक की स्कूटी का जायजा लिया जा रहा है और मुख्तलिफ पहलू और पंजाब से मुतल्लिका मसाइल जो है वो डिस्कस किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कैसर खोखर, आप हमें आगाह कर रहे थे। एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज और महकमा दाखिला के अफसरान ने भी इसमें शिरकत की। इजलास में सी पैक सिक्योरिटी मसाइल का जायजा लिया जा रहा है।